शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पूर्वी की फोटो है ना? कौन है ये लड़की, बताओ ना उनका। ये लड़की कोई और नहीं, हमारी बहन पूर्वी दीदी है। दुनिया के लिए भले ही दीदी इस दुनिया में नहीं है, पर असल में वो जिंदा है, अस्पताल में है। इस दर्द को हम अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्लीज हमारा साथ दो बहन। तो मेरी मुश्किल में तुम्हारी दोस्त तुम्हारा साथ देगी। जानते हैं महादेव, रोज थोड़ा थोड़ा करके बदल रहे हैं हम, अपने ही उसूलों पर फिसल रहे हैं, पर क्या करें, कागजों के फैसले तो सिर्फ अदालत में चलते हैं ना, और हम गौरव के आंखों के हर फैसले मान चुके हैं। अभी हमरे गौने की खुशी से ज्यादा गौरव का दुख बहुत बड़ा है, और हम उसका साथ देंगे। अभी गहना गौरव से अपनी दोस्ती निभाएगी, उसे इस बीच मजदार से बाहर निकालेंगे, ऐसी कन्नी बांधेंगे ना हम गौरव के सपनों की पतंग की, कि कोई भी उसे काटने की हिम्मत ना ही करेगा। हम उसकी कामयाबी की सीढ़ी बनेंगे महादेव। अब बस अपने आशीर्वाद की लाठी हम पर बनाए रखना। आपके आशीर्वाद की लाठी हमारे साथ होगी तो तभी तो जाकर गौरव को उसे उसकी मंजिल मिलेगी, और फिर हमारी भी, हम अपना हर फर्ज निभाएंगे महादेव। लेकिन उसका फल वो आप ही के हाथ में है, इसलिए आपसे विनती करते हैं कि हमारे गौरव के सपनों में कोनो अड़चने ना आए, उसका सफर ऐसा आसान कर दो कि कोई भी मुश्किलें ना आए बीच में। महादेव, कुछ महीनों में आप ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि गौरव अपने सपनों के बहुत ही करीब आ जाए, उसे जो चाहिए उसे वो मिल जाए। बस महादेव, इसीलिए हम यही रहेंगे अपने गौरव के साथ। कच्ची मिट्टी से जो उम्मीदों के घर बनाए हैं ना गौरव ने, उसे बारिश की हकीकत में बहने ना ही देंगे हम, बल्कि अपने प्यार से, सहारे से, और अब जो ये दोस्ती की डोर है ना, उसे निभाएंगे, गौरव की हर उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, उनके हर सपने पूरे करेंगे हम महादेव। आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना।
डाउन मार्केट। इन प्लेट्स में सर्व करोगे मेरे गेस्ट्स को और तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से मेरे स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से ये प्रेजेंटेशन मुझे इस घर में शिफ्ट करनी पड़ी। उसके बावजूद तुम दोनों से एक काम ठीक से नहीं होता। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े इन्वेस्टर, मेरे बेस्ट डिजाइन इनको प्रेजेंट होने चाहिए। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। मॉडल, खाना, डिजाइन और प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। और तुम सब लोग इसे खराब करने पर तुले हुए हो। ये बिजनेस की बातें हैं, हमारी बेटी पर छोड़ दो, तुम घर संभालो। वो जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, उसके काम में दखल मत दो। दखल तो हमने दे दिया है, स्टूडियो के तार काट के। और अब घर में हो रहे तुम्हारे इस प्रेजेंटेशन की भी नस काटनी है। उर्वशी बिटिया, हमें तुम पर गर्व है। हमारे तीनों बच्चों में सबसे समझदार सिर्फ तुम हो। कुछ ज्यादा ही हो रही है आज ये पापा के सामने। ही इसकी प्रेजेंटेशन को फेल करके आज इसे पापा की नजरों में गिराना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। गहना, प्रिंस को आज तुम अच्छे से तैयार करना एंड मेक श्योर कि वो आज कोई शैतानी ना करे, समझी तुम? आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरती ले लूं? कहना मैं माफ कर दूं। जो हो गया उसे भूल जाओ गौरव, कोई बात नहीं। अब जो करना चाहते हो, जो ठान लिया है उस पर ध्यान दो। हम तुम्हारी मजबूरी समझ सकते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं गौरव, और महादेव तो है ही। गौरव, तुमसे एक बात कहनी थी। हम तारा दीदी से मिलना चाहते हैं। अभी नहीं कहना, सही वक्त आने पर हम तुम्हें उनसे मिलवा देंगे। ठीक है कहना, थैंक यू हमारी बात सुनकर यहाँ रुकने के लिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि तुम गांव वापस जाओ। तुम मान गई हो ना तो हमारी आधी चिंता दूर हो गई है। रुकते कैसे नहीं, वादा किया है, निभाना तो पड़ेगा। बोले बुद्धू, अब अच्छा हम चलते हैं। वो प्रिंस को नाश्ता भी कराना है। चलो चलो, अच्छा से सूप पिएगा प्रिंस। अब ये मम्मी का नहीं खाना। अरे क्यों, अभी तो नानू का, नानी का, मामा का, सबका बाकी है ना, खाना तो पड़ेगा। नहीं। अरे ओके ओके, प्रिंस गुड बॉय। अरे अरे ऐसे कैसे, तेरी तो रुको, इधर आओ,
अरे कहाँ भाग रहे हो बच्चू, ये हवाई जहाज अभी पकड़ लेगा तुम्हें। रुको रुको रुको। अरे अरे यार, ये मॉडल तो कॉल ही नहीं उठा रहा और अभी तक आया भी नहीं है। उर्वशी मैम को पता चलेगा तो हमारी तो खैर नहीं। लास्ट टाइम भी मॉडल की वजह से उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ था और इस बार तो कपड़ा नहीं हमारा ही गला कट जाएगा। नहीं मुझे नहीं खाना, नहीं मुझे नहीं खाना, नहीं मुझे नहीं, एक चम्मच नहीं मुझे नहीं खाना, नहीं मुझे नहीं खाना। अरे प्रिंस रुको, मुझे नहीं खाना, हम कह रहे हैं मुझे खाना। नाश, उर्वशी मैडम आज जितना ध्यान लगाकर काम करने को कह रही है आज उतना ही बवाल हो रहा है। अब तो ये प्रिंस गया। बेटा कछु नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तुम कोई बड़ी तोप हो, इसे तो अब भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ये क्या हो रहा है यार? मैंने एक काम दिया था तुम्हें कि तुम आज प्रिंस को संभाल लेना, तुमसे वो भी नहीं हुआ। मैम साहब, कब आएगा? सना के नोट में मैंने देखा था। ओ। टाइमिंग तो यही लिखी थी, लेकिन अभी तक मॉडल आया क्यों नहीं? बस आने वाला होगा। अरे देख क्या रहे हो, मारो मेरी नस कटेगा, वेट करोगे क्या? अब देखता हूं कैसे होती है उर्वशी चौधरी की प्रेजेंटेशन। क्या कर रही हैं आप? बच्चा है। अरे गलती हमसे हुई थी, प्रिंस से नहीं। अब कैसे होगी ये प्रेजेंटेशन? मैम साहब, मैं ना हमें गोता हम साफ कर देंगे। हाँ आप चिंता मत करें, हम कर देंगे इसे साफ। साफ माय फुट। लाइटर।
उर्वशी चौधरी के एक्सक्लूसिव पीसेस अगर खराब हो गए तो उन्हें ठीक नहीं मिटा देती है। आई सेड गेट आउट। चलो प्रिंस। सना, इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, मेरी दूसरी कलेक्शन निकलवाओ और ध्यान रहे कि मॉडल टाइम पर आए, वरना तुम जानती हो मुझे। एंड अपडेट मी। अब कैसे अपडेट मिलेगा उसी कि उसके मॉडल को तो हमने किडनैप कर लिया है। अब ना होगा प्रेजेंटेशन, ना होंगे पापा के पैसे बिजनेस में वेस्ट। इन्वेस्टर्स पहुंचने ही वाले होंगे एंड आई होप आज सब कुछ परफेक्ट होगा और कोई मेस ना हो। सना, मॉडल कहाँ है? वो ऑलरेडी आधा घंटा लेट है। कॉल हिम। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि यहाँ मत भटकना। ऑलरेडी मेरा एक कॉस्ट्यूम तुम खराब कर चुकी हो और दूसरा मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी, समझी तुम? और प्रतीक। जी मैम। ऐसे आयन किए जाते हैं कपड़े, झुमकी को बोलो कि अच्छे से आयन करे। पास। झुमकी मैम मार्केट गई है। व्हाट? ये कोई मार्केट जाने का टाइम है? घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है। मेम साहब, हम आपकी मदद कर दें। डे नॉट। मेरे कॉस्ट्यूम्स को हाथ लगाने की हिम्मत हिम्मत करना तुम। अब गेट आउट। सना, तुम आयन कर दो। प्रतीक, इन्वेस्टर्स का कोई मैसेज? मैम, इन्वेस्टर्स गेट पर ही है, आ गए हैं। What? और ये मॉडल अभी तक आया भी नहीं। Unprofessional people. ओहो ननन जी, आज तो आपके मॉडल ने आपकी ही नस काट दी। अब कैसे करेंगे आप अपना प्रेजेंटेशन? हाँ, और अगर वो इंटरनेशनल ऑर्डर आपको नहीं मिला तो पापा जी के इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी आपको वापस करने पड़ेंगे। क्या करेंगी आप? क्या होगा आपका ननन जी? आपका तो करियर खत्म। श्रेया भाभी, आप अपने काम से काम रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं किसी की नस काट ही दूं। प्रतीक सुनना, प्लीज मेरी हेल्प कर दे, बहुत सारा काम बचा है, मॉडल भी अभी तक नहीं आया है, ये प्लीज आयन कर दे। सुनिए ना हमारी बात। देखिए, हमें मेम साहब ने तो मना किया है आपकी मदद करने से, लेकिन अगर आप चाहे तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। पक्का? हाँ। ठीक से कर लोगी ना? देखो, हाँ। जरा सी भी गड़बड़ हुई ना उर्वशी मैम मेरी खाल उधेड़ देंगी। नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, हम उन्हें बताएंगे भी नहीं। ठीक है। कैसी अंग्रेजी स्त्री है, कैसे इसे कपड़े इस्त्री करे हम हमका समझ में ही नहीं आ रहा।
रखा है। हाँ, ये स्त्री का दूसरा हिस्सा लगता है जो वो पकड़ने वाला होता है। तो पहला हिस्सा कहाँ है जिसे स्त्री करते हैं? ये तो है भी ठंडी, कैसे शुरू करें इसे? कुर्ते का बटन तो ढीला हो गया है। गौरव तुम इसे पहन लो ना, हम ये बटन ठीक कर देते हैं, टाक देते हैं थोड़ा। एकदम हीरो लग रहे हो गौरव। How dare you? 100 रुपए की शर्ट पहनने की औकात नहीं है तुम्हारी, और मेरा ये 50,000 का डिजाइनर कॉस्ट्यूम हाथ कैसे लगाया तुमने? मेम साहब, हमने इनको कहा था कि ये कुर्ता पहन ले। तुमने कहा था ना मैंने कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ, तो क्यों लगाया तुमने? तुम्हें ना मैं अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।